स्टार्ट करें। सब लोग आ गए? देखिए वो लोग आते रहेंगे, आप लोग स्टार्ट करिए। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, अब ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस का एक ऑब्जेक्टिव आपको इसमें बताना है, इंक्रीज्ड मोटिवेशन, ग्रेटर इनोवेशन, सॉल्विंग इंटरग्रुप प्रॉब्लम्स, या फिर चेंजेस इन एन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल ऑफ अडेप्शन टू इट्स एनवायरमेंट। बताइए ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के बारे में आपको पता होगा? आंसर करिए जल्दी फटाफट। देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में हम सबसे इसका मेन ऑब्जेक्टिव बात करें तो वो होगा कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट में चेंज करना, ठीक है, जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि हम अडेप्ट कर पाएँ, या फिर हमारे जो काम करने का तरीका है, या जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, एफिशिएंसी है, वो और इम्प्रूव हो पाए, रिसोर्सेज का अच्छा यूटिलाइजेशन हो पाए, ठीक है। वैसे इंक्रीज मोटिवेशन साइड बाय साइड ये भी हो सकता है, ग्रेटर इनोवेशन भी हो सकता है, एंड सॉल्विंग इंटरग्रुप प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, ठीक है। वैसे तो इनका क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सारे ही ऑप्शंस करेक्ट लगते हैं, और यहाँ पर मेन भी नहीं लिखा है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्योंकि देखिए जब हम कंपनी के अंदर कोई भी चेंजेस करेंगे, देखिए सबसे पहले मीनिंग समझ लीजिए, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इस तरह से चेंज करना, फिर वो टेक्नोलॉजी के बेसिस पर हो, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बेसिस पर हो, या ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग से रिलेटेड तक हो, ठीक है। अब ये सारे चेंजेस आप क्यों करेंगे, जिससे कि और आपकी इफिशियंसी बढ़े, और इफिशियंसी बढ़ेगी यानी कि आप मोटिवेट होंगे, तो ये भी सही है। ग्रेटर इनोवेशन, जब आप ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, टेक्नोलॉजी चेंज करेंगे, तो ग्रेटर इनोवेशन भी हो गया, सॉल्विंग इंटर ग्रुप प्रॉब्लम्स भी हो गई, क्योंकि जब आप इस तरह के चेंजेस करते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत छोटे कंपार्टमेंट आपने जो आप रूम प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स को, कैबिन प्रोवाइड करते हैं, वो इतने बढ़िया नहीं थे, एक कैबिन में पहले 4 से 5 लोग बैठते थे काम करने, तो उनमें डिस्प्यूट होता था आपस में। अब आपने क्या किया, कुछ इस तरह से सेक्शंस बना दिए एक रूम या कैबिन के अंदर भी, कि हाँ अब उनको एक सेपरेट कैबिन मिल गया, तो अब क्या है, डिस्प्यूट भी नहीं होंगे, तो ये भी सही लगता है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन यहाँ पर इसी को सही माना गया है, तो आप देख लीजिएगा आपके एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है। मुझे सबसे बेस्ट यही लगता है, क्योंकि ये तो हमारे साइड बाय साइड चलेंगे, लेकिन ये एक मेन है, ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस, बताइए। ग्रीवेंस इज अ साइन ऑफ एम्प्लॉय डिसकंटेंट विद जॉब और इट्स नेचर, बी है ग्रीवेंस प्रोवाइड्स अ डाउनवर्ड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, सी है ग्रीवेंस अराइज ओनली व्हेन एन एम्प्लॉय फील्स दैट इनजस्टिस हैज बीन डन टू हिम, और ग्रीवेंस कैन बी रियल और इमेजिनरी, बताइए क्या इसमें से ट्रू नहीं है ग्रीवेंस के अकॉर्डिंग। देखिए हमें यहाँ पर 1 सही लगता है, सी सही लगता है, एंड डी सही लगता है, लेकिन ये यहाँ पर ये हमारा सही नहीं है, इसलिए आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ग्रीवेंस सिर्फ एक ऐसा मीडियम नहीं है कि आप कम्युनिकेशन के लिए ग्रीवेंस बना दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कम्युनिकेशन के लिए और मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, आप गेट टुगेदर कर सकते हैं, थोड़ा इनफॉर्मल पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए, ये कोई तरीका नहीं है कि आपने एक ग्रीवेंस सिस्टम वहाँ पर बना दिया कि यहाँ पर कम्युनिकेशन होता रहेगा, तो ये बैटर वे नहीं है। इसके लिए सबसे ग्रीवेंस जो होता है एक साइन है कि वो वहाँ सेटिस्फाई नहीं है वर्किंग कंडीशन से या अपनी जॉब से, या फिर ग्रीवेंस इसलिए भी होता है कि अगर उनको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, उन्हें लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, वो जितना काम करें उतना पैसा नहीं मिल रहा है, सामने वाले को ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी दी जा रही है, इसलिए ग्रीवेंस होता है। एंड थर्ड है हमारा ग्रीवेंस रियल और इमेजिनरी दोनों हो सकता है। रियल का मतलब है उनके साथ असल में वो चीज़ हुई है, और इमेजिनरी का मतलब है कि वो ऐसा फील करते हैं, लेकिन कंपनी की तरफ से ऐसा किसी एम्प्लॉय के साथ बाइजनेस नहीं की गई है, लेकिन वो ऐसा फील करते हैं, ठीक है। तो ये ग्रीवेंस हमारा रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, यानी कि एक आपने ऑफिस वहाँ पे बना दिया और एक ऐसा है ग्रीवेंस सिस्टम है, लेकिन वहाँ पे ना कोई एम्प्लॉय है अलग से उसके के लिए, कोई कैबिन नहीं है, बस वहाँ पे ग्रीवेंस सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ जॉब एनालिसिस. अब इसमें से जॉब एनालिसिस का कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं है, आंसर करिए. जॉब डिस्क्रिप्शन है, रोल एनालिसिस है, जॉब समरी है, जॉब स्पेसिफिकेशन है. देखिए यहाँ पर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा सी, जॉब समरी. जॉब समरी हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन के पार्ट में कंसीडर की जाएगी, जॉब एनालिसिस में नहीं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है, अंडर द कोऑपरेटिव बैंक स्ट्रक्चर द एपेक्स बॉडी इज. देखिए एपेक्स बॉडी अगर यहाँ पर पूछी गई है तो वैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनमें से कोई नहीं होगी, लेकिन हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है तो आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताइएगा. वैसे तो आप जानते हैं एपेक्स बॉडी क्या है इसकी, इसको आरबीआई रेगुलेट करता है कोऑपरेटिव बैंक स्ट्रक्चर को. एपेक्स बॉडी की बात करें तो वो हो जाएगी हमारी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्टेट लेवल पर, ठीक है, नेशनल कोऑपरेटिव बैंक नहीं होगा, ठीक है. नेक्स्ट है, व्हाट इज एसएलआर रेशियो ऑफ अ बैंक. एसएलआर रेशियो बैंक का क्या होता है, रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट अगेंस्ट टोटल इन्वेस्टमेंट. बी ऑप्शन है हमारा अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द बैंक विद द सेंट्रल बैंक इन द फॉर्म ऑफ कैश गोल्ड एंड सिक्योरिटीज. सी है हमारा अमाउंट डैट कॉमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन बिफोर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू कस्टमर्स. एंड डी ऑप्शन है अमाउंट डैट कॉमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट विद द फॉरेन बैंक्स. बताइए क्या लगता है इसमें से आपको रेशियो, एसएलआर रेशियो है. देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, एसएलआर रेशियो एक अपने पास डिपॉजिट रखा जाता है, इसे बैंक कहीं डिपॉजिट नहीं करते, ना ही आरबीआई के पास और ना ही किसी फॉरेन बैंक के अंदर. इसे फॉरेन बैंक्स जो होते हैं कॉमर्शियल बैंक्स अपने पास ही रखते हैं, आगे किसी भी तरह की कंडीशन या फिर किसी भी तरह हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसा उनको लगता है कि आगे कोई मिसहैपनिंग होगी या फिर कंपनी को कोई लॉस ना हो बैंकों को, तो एक अपने पास सिक्योरिटी पर्पस से वो रखते हैं इसको. और ये गोल्ड सिक्योरिटीज कैश के फॉर्म में रखा जाता है, और ये रखने के बाद जो भी उनके पास अमाउंट बचता है फिर उससे वो लोन प्रोवाइड करते हैं. वो इसलिए ये रखते हैं जिससे कि ऐसा ना हो कि सारा अमाउंट उनका लोन में चला जाए और बैंक वहाँ पर बैंकरप्ट हो जाए, ठीक है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. स्टेबिलाइजेशन फंक्शन, हेजिंग फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन या फिर ट्रांसफर फंक्शन. देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये स्टेबिलाइजेशन फंक्शन, ठीक है. नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेसिबल इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ. अ पर्सन इन एम्प्लॉयमेंट, अ पर्सन एंगेज्ड इन इलीगल बिजनेस, अ पर्सन हु इज रनिंग चैरिटेबल बिजनेस और अ पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली. इनकम टैक्स तो आपने पढ़ा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इनकम टैक्स, थोड़ा इसमें रूल्स ज्यादा हैं, हाँ कंफ्यूजन होता है लेकिन मजा भी बहुत आता है इसको पढ़ने में, मन करता है इसको बार बार पढ़ो. आप में से किस किस को पसंद है इनकम टैक्स. ओके चलो ठीक है, आंसर करो जल्दी जल्दी. देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, जब कोई पर्सन हमें लगे कि वो इंडिया परमानेंटली छोड़कर जा रहा है तो उसकी जो इनकम है प्रीवियस ईयर में ही असेस की जाती है, क्योंकि वो जो जिस साल उसकी असेस की जाएगी उस साल वो इंडिया में नहीं रहेगा, ठीक है. कुछ और कंडीशंस भी हैं उनको नोट कर लीजिए. देखिए अगर कोई बिजनेस क्लोज हो रहा है प्रीवियस ईयर में या फिर वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा तो ऐसी कंडीशन में भी उसकी जो इनकम है वो उसी प्रीवियस ईयर में असेस की जाती है. और कोई परमानेंट लीव कर रहा है तब भी, और अगर कोई शिपिंग बिजनेस है
जो कि नॉन रेसिडेंट है और शिपिंग बिजनेस है उसका, उसकी भी इनकम उस जिस साल यानी कि हम प्रीवियस ईयर जिसको कंसिडर करते हैं उसी में उसकी असेस कर ली जाती है, क्योंकि ये सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें जिस साल उनकी प्रीवियस ईयर की इनकम असेस की जानी चाहिए उस साल वो वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे, इसलिए जिस साल वो अर्न करते हैं उसी साल उनको असेस करके उन पर टैक्स लाइबिलिटी बना देते हैं, ठीक है, अगर बनता है तो। नेक्स्ट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हैं वो हमारे सेट ऑफ किए जाते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सिर्फ, ठीक है, किसी और से नहीं किए जाते, इतना याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। यहीं पर मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, अगर इसकी जगह आपसे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के बारे में पूछा जाता है तो याद रखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल वो सॉरी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो हैं वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स दोनों से ही राइट ऑफ किए जा सकते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म में हम लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों गेन्स यूज कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लॉस में सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन्स ही यूज किए जाएंगे, ठीक है। आज थोड़ा आपको ज्यादा डिस्टरबेंस लगेगा क्योंकि अब मार्केट खुल गया है तो बहुत सारे यहाँ से व्हीकल निकलेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स यानी कि MAT इज इम्पोज ऑन ऑल कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ओनली, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या फिर पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनीज, बताइए। लो पिकॉक का शोर भी आ गया। जल्दी बताइए MAT किस पे इम्पोज किया जाता है। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, जो MAT है वो हमारा ऑल कंपनीज पर इम्पोज किया जाता है। अब इस ऑल कंपनीज के अंदर फॉरेन कंपनीज को भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो अगर मिनिमम टैक्स में कभी आपके ऑप्शन में ये हो कि ऑल कंपनीज, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ये है, सेकंड हो ऑल कंपनीज विद फॉरेन कंपनीज, थर्ड हो पब्लिक कंपनी एंड फोर्थ हो प्राइवेट कंपनी, तो आपको ऑप्शन सेकंड पे टिक करना है जिसमें होगा ऑल कंपनीज विद फॉरेन कंपनीज, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया, टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, टू प्रमोट प्राइस स्टेबिलिटी, टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, एंड फोर्थ है टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देखिए फिस्कल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ये लिक्विडिटी को इंक्रीज करना इसका काम नहीं होता, इसका काम होता है प्राइस को स्टेबल करना, क्योंकि फिस्कल की बात की जा रही है, मिनिमाइज करना इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ को, और जो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है उसको प्रमोट करना, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट, मार्केटिंग कैपेबिलिटी, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, मनी एंड कैपिटल मार्केट एंड पर्सनल कैपेबिलिटी। देखिए इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करिए तो इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारी कंपनी आती है, हमारे ऑपरेशनल एक्टिविटी आती है, हमारी पर्सनल एक्टिविटी आती है, क्योंकि स्टाफिंग से रिलेटेड है, ठीक है। हमारी क्या कंसिडर नहीं की जाएगी, मनी एंड कैपिटल मार्केट, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज यूज्ड एज फंड इन द प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, बताइए। फंड फ्लो स्टेटमेंट में आप क्या यूज करते हैं, करंट असेट्स, वर्किंग कैपिटल, कैश एंड ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेस। देखिए राइट आंसर हो जाएगा बी, वर्किंग कैपिटल का यूज करते हैं हम, वर्किंग कैपिटल को लेकर हम यहाँ पर जो हमारी बैलेंस शीट्स हैं उनको कंपेयर किए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विंडो ड्रेसिंग इज कर लीजिएगा, इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू कंजर्वेटिव कन्वेंशन, कंजर्वेशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी या फिर एरियर ऑफ बुक अकाउंट,
विंडो ड्रेसिंग तो आप समझते होंगे, आप लोग इतनी सारी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आज के टाइम में, तो ऑनलाइन ही शॉपिंग हो रही है क्योंकि सब मार्केट बंद बंद थे। कल तो किसी का केक भी आया था शायद, तो ऑनलाइन ऑर्डर किया था आपने, तो विंडो ड्रेसिंग आप समझते होंगे। हाँ ठीक है ठीक है, चलो बात में मत किया करो, चलो जल्दी से आंसर करो। देखिए राइट आंसर हो जाएगा बी, विंडो ड्रेसिंग प्रोहिबिट हो गई है। किस वजह से? कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर से, क्योंकि कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर में बताता है कि जो भी फैक्ट्स हैं आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिगार्डिंग, उसको आपको डिस्क्लोज करना है। जबकि विंडो ड्रेसिंग का मेन पर्पस यही होता है कि जो भी लूप होल्स हैं आपके प्रोडक्ट में, जो भी ऐसे कंटेंट उसमें यूज किया है या इंग्रेडिएंट यूज किया है, उसको आपको हाइड करना है जिससे कि आपकी सेल पर इफेक्ट ना पड़े। तो अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर आपको अपना प्रोडक्ट या सर्विस पॉजिटिव वे में शो किया जाता है, जबकि उसमें इतना बेटर वो नहीं होता है हेल्थ के लिए, या फिर वो दिखने में इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन विंडो ड्रेसिंग करके आपको बहुत अच्छे से उसको दिखाया जाता है। ठीक है, तो कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर ये बिल्कुल गलत बताता है। उसके अकॉर्डिंग ये है कि जैसी चीज है उसको वैसे ही डिस्क्लोज करना है आपको, इसलिए ये इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग विंडो ड्रेसिंग जो है वो प्रोहिबिटेड है। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत होती है विंडो ड्रेसिंग। आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट मंगा लें, ऑनलाइन वो बहुत अच्छा दिखाई देता है, और जब वो आपके पास आता है तो प्रोडक्ट बिल्कुल अलग होता है। हालांकि ऑनलाइन कंपनियां इस चीज को या फिर इस मेंटेलिटी को सुधारने की कोशिश कर रही हैं। आजकल कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जो दिखने में इतने अच्छे नहीं लगते हमें स्क्रीन पर, लेकिन रियल में बहुत अच्छे होते हैं। तो दोनों ही चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अ कमोडिटी यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पसेस देन द डिमांड फॉर इट इज नोन एज जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, या फिर ऑटोनोमस डिमांड। जल्दी करते हैं, आज टाइम काफी हो गया, बाद हम कम करेंगे अब हम। ठीक है, जल्दी से आंसर करिए इसका। देखिए यहाँ पे बी राइट होगा, कंपोजिट डिमांड, क्योंकि कंपोजिट डिमांड ऐसी डिमांड होती है जो एक डिमांड के साथ दूसरी डिमांड लेकर आती है। यहाँ पर एक, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, क्वार्टाइल, रेंज, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो जो हम डिस्पर्जन को मेजर की बात करते हैं, तो हम उसको रेंज से मेजर कर सकते हैं, डेविएशन से कर सकते हैं, और वो डेविएशन भी हमारा मेन हो सकता है या स्टैंडर्ड हो सकता है, लेकिन हम क्वार्टाइल से नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, स्ट्रोक रूल या स्टर्च रूल इज यूज टू फाइंड आउट डायरेक्टली नंबर ऑफ क्लासेज इन अ कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, साइज ऑफ क्लास लिमिट्स, डायरेक्शन ऑफ द क्लासिफिकेशन, या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर करिए जल्दी से। देखिए स्टर्च का जो नियम है वो हमें हमें नंबर ऑफ क्लासेस बताता है हमारे डिसकंटिन्यू सीरीज के थ्रू, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज पर दी। अब जो ये कहा गया है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट जो है एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट है, यानी कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको अपॉइंट करना है, ये किसने कहा? सेबी, इंडियन कंपनीज एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर आरबीआई। देखिए राइट आंसर हो जाएगा सेबी, क्योंकि सेबी इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, इसलिए इसने इस तरह के रूल बनाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अ मेथड फॉर अचीविंग मैक्सिमम मार्केट रिस्पॉन्स फ्रॉम लिमिटेड मार्केट रिसोर्सेज बाय रीऑर्गेनाइजिंग डिफरेंसेज इन द रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द मार्केट इज नोन एज। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िए और आंसर करिए। आंसर करिए जल्दी। देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी, मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है,
नेक्स्ट है, हु प्लेज देयर सिग्निफिकेंट रोल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स व्हेन दे डू नॉट सेल टू अल्टीमेट यूजर्स टू कंज्यूमर्स? रिटेलर, होलसेलर, मीडिएटर या फिर कमीशन एजेंट? देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, होलसेलर। देखिए मीडिएटर एंड कमीशन एजेंट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये अदर हम बोल सकते हैं अदर हेल्प की तरह काम करते हैं। मेन जो हमारी लिंक है अदर लिंक की तरह काम करते हैं। मेन लिंक हमारी क्या है? प्रोड्यूसर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर एंड फिर कंज्यूमर, ये मेन लिंक है हमारी। अब इसमें एजेंट आ रहा है तो वो अदर की तरह काम करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर मीडिएटर एजेंट इसलिए हमने नहीं लिया है, यहाँ पर हमने होलसेलर लिया है, ठीक है? नेक्स्ट है, मार्केटिंग में विच फोर पीस आर कवर्ड? बहुत ही सिंपल है, आंसर करिए 2 सेकंड के अंदर। राइट आंसर हो जाएगा ये, प्रोडक्ट प्राइस, प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन, ठीक है? फोर पीस कहलाते हैं ये हमारे। नेक्स्ट है, फॉल्स एंड मिसलीडिंग क्लेम्स एंड वल्गैरिटी इन एडवर्टीजमेंट डू नॉट मैच विद एग्रेसिव मार्केटिंग एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग, मास लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग या फिर सेल्स प्रमोशन? देखिए फॉल्स मिसलीडिंग की बात की जा रही है तो ये हमारे एथिक्स में कवर होते हैं क्योंकि एथिक्स हमारी क्या कहता है कि जैसा है वैसा शो करो। हमारे एथिक्स में ये सब नहीं सिखाया जाता कि हम गलत चीज़ों को दिखाकर अपने सेल को प्रमोट करें, ठीक है? वल्गैरिटी दिखाएं, चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला अगर कोई पर्सन देख रहा है तो उसको देखने में अजीब ना लगे, ठीक है? आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो या फिर ऐसे एडवर्टीजमेंट बना रहे हो जो कोई सामने वाला पर्सन नहीं देख सकता, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसलिए बहुत सारी ऐसी अथॉरिटी हैं इसके ऊपर जो सबसे पहले इन एड्स को चेक करती हैं कि इसमें कोई ऐसा मिसलीडिंग या फॉल्स चीज़ तो नहीं है, और तब उसको शो किया जाता है। वैसे ऐसा होता नहीं है इतना क्योंकि आजकल सारे एडवर्टीजमेंट फॉल्स ही होते हैं, ठीक है? अगर मेरे अकॉर्डिंग, मैं पर्सनली, मेरा व्यू है, मैं किसी के ऊपर कोई भी क्लेम नहीं कर रही हूँ कि हाँ ये ऐसा वैसा, लेकिन हाँ अकॉर्डिंग टू मे यही लगता है मुझे, क्योंकि कोई भी ऐड ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी ऑयल लगा लिया आपके हेयर बहुत बड़े हो गए, ठीक है? या फिर आपने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो एडवर्टीजमेंट अच्छे होते हैं प्रोडक्ट, बट इतने भी नहीं जितना ऐड में हमें दिखाया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच मैथड डज नॉट कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी? नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स? देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ये हमें कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में नहीं बताती है, ठीक है? ये सिर्फ हमें एवरेज बताती है, हमारे रेट ऑफ रिटर्न का कितना एवरेज है। नेक्स्ट है, विच फॉर्मूला इज यूज टू मेजर द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज? ई बी आई टी अपॉन सेल, सी अपॉन ई बी आई टी, ई बी आई टी अपॉन ई बी आई टी, ई बी टी और ई बी आई टी अपॉन सी? बताइए क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि है सी अपॉन ई बी आई टी, सी मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है, विच वन इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द फर्म टू द फर्म, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बाय द इन्वेस्टर या फिर नन ऑफ द अबव? देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू दी फॉर्म, ठीक है?
नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वॉलेंटरी मेथड फॉर प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स? कलेक्टिव बार्गेनिंग, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ज्वाइंट कंसल्टेशन एंड वर्क कमिटी। देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी, वर्क कमेटी। अब वर्क कमेटी क्यों है? क्योंकि वर्क कमेटी हमारा स्टैट्यूटरी मेजम का पार्ट है। और अगर आप वॉलेंट्री मेथड की बात करें तो कुछ और मेथड हैं, देखिए मैं आपको सारे बता देती हूँ। फर्स्ट है कलेक्टिव बार्गेनिंग, ट्रेड यूनियंस, ज्वाइंट कंसल्टेंट, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ग्रीवेंस एंड प्रोसीजर्स, कोड ऑफ डिसिप्लिन, ये वॉलेंट्री मेथड है सारे। तो इसमें हमने अभी स्टैंडिंग ऑर्डर भी पढ़ लिया, ज्वाइंट कंसल्टेशन पढ़ लिया एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग पढ़ ली। लेकिन वर्क कमेटी हमारी स्टेटरी मेजरमेंट का पार्ट है, इसके अंदर वर्क कमेटीज, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेटर, एडजुडिकेशन, ये सब हमारे आते हैं, जिसमें लेबर कोर्ट आती है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स आते हैं, नेशनल ट्रिब्यूनल्स आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वर्क कमेटी वहाँ का पार्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ये थे क्वेश्चंस, होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उनको अपने इवनिंग क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।